दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एक प्रीमियम घर प्रीमियम लोकेशन के ऊपर जीरकपुर में एयरपोर्ट रोड के ऊपर। आपके सामने सिटिंग लॉन्ज या वेटिंग एरिया। दोस्तों आज वाले घर को जो है बिल्कुल फ्यूचर को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और बिल्कुल प्रीमियम लुक्स के साथ है। तो आज के घर की जो वीडियो है वो आप पूरे देखिए और मज़ा लीजिए। तो दोस्तों हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं हमारे घर के सामने, जहाँ पर डबल एंट्रेंस डोर आपको मिलेगी और सारे के सारे घर जितने भी हमारे मिलेंगे वो आपको टू या थ्री साइड ओपन मिलेंगे, मतलब कि टू साइड ओपन या फिर एक कॉर्नर हाउसेस। और यहाँ पर हमारे पास दो साइज रहेंगे, 2300 स्क्वायर फीट और 3400 स्क्वायर फीट। और आपके हर घर के बाहर आपको वीडियो डोर फोन आपको मिलेगा यहाँ पर। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगी एक सेवन क्वार्टर की, या फिर आप इसे एज ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी आप मेन एंट्रेंस डोर की तरफ देखें या फिर आपके जो ऑफिस डोर की तरफ देखें तो काफ़ी शानदार डोर है, हाइट अच्छी है। और जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास है 8.5x8 की स्पेस, जहाँ पर आप इजीली एक बेड लगा सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं या लॉयर हैं तो आप इसको एज अ ऑफिस अपना यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वैसे लगता है कि आपका कोई बिजनेस है, आप नहीं चाहते कि हर बार कुछ क्लाइंट्स को आप अंदर लेकर आएँ, तो आप बाहर से ही आप उनको बात करके भेज सकते हैं। जो कि इसके साथ आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, तो इसलिए आपके लिए तकरीबन काफ़ी काम ये बाहर से ही कम्प्लीट कर देगा। और अगर हमारा सर्वेंट भी इसको यूज़ कर रहा है तो फैसिलिटी हमारे पास पूरी रहेगी, चाहे आपका सर्वेंट क्वार्टर है लेकिन आपको चीज़ यहाँ पर पूरी दी जाती है। और ठीक यहाँ पर आपकी यूटिलिटी बालकनी, जो कि बेहद शानदार और काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पर मिलती है। तो उससे घर की खास बात यही है कि आपके पास जो लाइट है वेंटिलेशन हर तरफ से आती है और बालकनीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। और इनकेस अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो आपको जो लॉन आपको मिल जाता है एरिया, वो वाकई बड़ा शानदार है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि 3.5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा और 8 फीट की हाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, बिल्कुल प्रीमियम लुक के अंदर आपको घर मिलता है। और डोर भी हमारा बिल्कुल प्रीमियम लुक के साथ ही है। और जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे पास एक शानदार सा घर हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाता है। दोस्तों पहले आपको ये पैसेज मिल जाएगा, इस पैसेज का एक मेन मकसद होता है ताकि आपके घर में कोई डिलीवरी बॉय हो या कोई भी हो, उसको आगे तक सारी चीज़ नज़र ना आए। और ठीक इस तरफ आपके पास स्टोर कम पूजा रूम, जैसे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं हम आपको स्पेस यहाँ पर पूरी देंगे, क्योंकि हम जो आपको घर दिखा रहे हैं अभी वो 3400 स्क्वायर फीट है, जिसके हम पौना कनाल ऑलमोस्ट कह सकते हैं, एक बड़ी शानदार कोठीक वाला एरिया जो होता है एग्जैक्टली वैसा ही। और जो ड्राइंग एरिया आप देख रहे हो वो बेहद शानदार आपको मिलेगा, 23x12 का सिर्फ आपको ड्राइंग एरिया मिलेगा। आप चाहे यहाँ पर 7 सीटर लगाएं, 12 सीटर लगाएं, जैसे भी लगाएं, स्पेस आपको यहाँ भरपूर मिल जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम हर बार आपको जो हमारा डेमो होता है होम, उसमें मैक्सिमम सामान रख के दिखाते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो कि आप कितना सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारा सामान रखा है आपके लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि इसके अलावा भी अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, या फिर आपका जैसा फर्नीचर है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। और बहुत सारी खास चीज़ें आपको इस सोसाइटी के अंदर मिलने वाली हैं, जैसे 4.5 एकड़ का तो सिर्फ ग्रीन एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अप्रूव सोसाइटी आपको मिलेगी यहाँ पर पूरी प्रॉपर, ऑटोमेटिक्स आपको लाइट्स सिस्टम जो होगा आपके पूरे गार्डन एरियाज़ के अंदर मिलेगा, जैसे शाम होते अपने आप लाइट्स ऑन हो जाती हैं, एक वैसा सिस्टम। साइकिलिंग के लिए आपको अंदर सारे ट्रैक्स मिलेंगे, जॉगिंग के लिए अंदर आपको ट्रैक्स मिलेंगे। और दोस्तों बालकनीज देखिए, अगर आप यहाँ से बालकनी को देखते हैं यहाँ से समझ आ जाएगा, वाकई बड़ी शानदार बालकनी है, वुडन डेक के साथ आपको पूरी मिलेगी और जो है ग्लास की रेलिंग आपको पूरी बालकनी में मिलेगी हर जगह पर। और यही बालकनी अगर आपके ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप समझ सकते हो ग्रीन लॉन आपको मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों हमारे पास जो था जैसे ड्राइंग एरिया के अंदर स्पेस हमारे पास काफ़ी अच्छी थी, तो हमने यहाँ पर एक साइड में बार डिज़ाइन कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत सारी चीज़ें डेमो घर के अंदर डाल देते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो आप चाहे यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल आप बनाना चाहते हैं या फिर कुछ और, ड्राइंग एरिया को वो इटसेल्फ इतना बड़ा ही पूरा यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और ठीक इसके साथ यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, 16.5x8 का काफ़ी अच्छा साइज़ है। और हमने यहाँ पर 8 सीटर यहाँ पर रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो, और कुशन वाली सीट्स आपकी रहेंगी, काफ़ी बड़ा टेबल हमने यहाँ पर पूरा प्रॉपर रखा है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हम कितना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे आपको लगता है कि आप वैसा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर, हमारी अपने घर की चीज़ है तो हम पे निर्भर है। और दोस्तों हमारे आज के घर में जो है बहुत सारी चीज़ें अलग आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको सेफ्टी सर्विसेज में आपको अपनी एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पर कंपनी की तरफ से मिलेगी, फायर ट्रक आपको अपना मिल जाएगा, पेट्रोलिंग वैन आपको हम मिलेगी,
और दोस्तों किचन आपकी पूरी की पूरी स्पेनिश स्टाइल के अंदर आपको नज़र आएगी यहाँ पर, स्पेनिश थीम के अंदर। और दो पार्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, सॉरी तीन पार्ट्स करूँगा मैं इसको। आपकी जो किचन है प्रॉपर, आपका जो ग्रेनाइट की शेल्फ आपको यहाँ पूरी मिलने वाली है, और काफ़ी लंबी किचन आपको बड़ी मिल जाएगी, 12.5x8.5 की, काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन। और हल्का सा टच कीजिए, आपके हाइड्रोलिक्स ऊपर आएंगे और आपके पास आपको नज़र आएगी जो स्पेस है, वाकई बड़ी शानदार है यहाँ पर। तो आप जो रखना चाहते हैं इन कैबिनेट्स के अंदर वो आप पूरा रखें, इजीली रखेंगे यहाँ पर, कि बिना किसी शर्त के कि हमारा ये कुछ चीज़ें यहाँ आ रही हैं कुछ नहीं आ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो किचन आपकी है ये डिज़ाइन की गई है हैथिक की तरफ से, एक अच्छा डिज़ाइन है, एक अच्छी कंपनी जो आपको एक अच्छी खासी वारंटी दे देती है कि कहीं भी कुछ चीज़ होती है तो कंपनी खुद ज़िम्मेवार है। शानदार आपको जो है यहाँ पर पूरे कैबिनेट्स या ड्रॉर्स आपको पूरे मिलने वाले हैं अच्छे खासे, और सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ होंगे, और डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम घर है तो प्रीमियम चीज़ आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों मार्केट आपको अपने टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएगी, सेफ्टी सर्विसेज आपने सारी देख ली है कि अंदर ही अपनी पेट्रोलिंग वैन भी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा जो आपकी पार्किंग रहेगी वहाँ पर सारी आपकी बेसमेंट में पार्किंग आपको मिलने वाली है यहाँ पर। कार वॉश पॉइंट आपको अंदर ही मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कार चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर हर तरीके के साथ मिलेगी। तो दूसरा सेकंड पार्ट जो आपके किचन का आएगा बिल्कुल ठीक इस तरफ, यहाँ पर आपके पास स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो हमने यहाँ पर साइड में OTG वगैरह रखा है और इस तरफ आपके लिए ड्रॉर्स बना दिए, और जैसा आपका मन होगा हम उस तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो किचन यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको स्पेस पूरी मिले, सिर्फ किचन में नहीं पूरे घर के अंदर आप जो भी चीज़ यूज़ करें ना उसका मज़ा पूरा लें। और ठीक इस तरफ आपका जो रहेगा वेट एरिया एल शेप के अंदर, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप कैबिनेट्स को हम जैसे ओपन करेंगे तो आपके जितने भी यूटेंसिल्स आप धोते हैं तो आप यहाँ रखते हैं तो सारे का पानी नहीं होगा, नीचे डबल सिंक के आपको प्रॉपर पेरो मिल जाएगा। तो आप जितना भी सामान अपनी किचन के अंदर रखना चाहते हैं, ये जितना भी तरीके के साथ अपनी किचन को यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस जो हम आपको देंगे वो इतनी दे देंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कुछ और डिज़ाइन करना है या कुछ और चेंज करना है। फिर भी क्योंकि हमारे मन में कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो तो ज़्यादा अच्छा लगे, वैसी हो तो ज़्यादा अच्छा लगे, तो हम आपके तरफ से भी बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। कॉर्नर्स को भी पूरा यूज़ किया गया है एक अच्छे तरीके के साथ। और अगर मैं थोड़ा सा आपको नीचे दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा हमने डिश वॉशर भी यहाँ पर लगाया। तो आपके ऊपर है हम क्या कुछ करना चाहते हैं हमारी किचन के अंदर या कैसे है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक किचन का अपना एरिया जो था वो 12.5 का था, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है वो काफ़ी बड़ा है। और जितने भी आपके जो डोर्स या विंडोज़ रहेंगे सारे 8 फीट की हाइट के रहेंगे, और एल्युमिनियम हाई क्वालिटी की आपको एल्युमिनियम यहाँ पर मिलने वाली है। और ये हमारी दोस्तों यूटिलिटी बालकोनी जहाँ से हम अपना सर्वेंट क्वार्टर या अपना ऑफिस देख सकते हैं या जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी स्पेस आपको हर जगह से मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टोर आया था, काफ़ी अच्छी स्पेस हमने आपको अलग से भी दी हुई है, एक जैसे आपने अंदर देखा था तो एक हमने बाहर भी बना दिया। तो जितना भी आप सामान है आपका आप इजीली पूरे घर के अंदर रखें, क्योंकि हमने देखा कि ये कुछ चीज़ें होती जिनकी कमी हमें तकरीबन देखने में मिली है। और हम जैसे आपको 3400 स्क्वायर फीट एरिया आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्पेस आपकी जो रहेगी पूरी भरपूर रहेगी आपके लिए, हर तरह से आप यूज़ करेंगे मज़े करेंगे अपने घर के अंदर। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें लाइफ के अंदर। दोस्तों जो आपको नीचे टाइल्स आपको नज़र आ रही हैं सारी के सारी 4x4 वेट्रीफाइड टाइल्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, जिनकी शाइन है वो बरकरार रहती है सालों साल। और दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट बेडरूम या फिर इसे गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं, 15x11 बेहद शानदार साइज़ आपके लिए एक बड़ा सा बेड हमने यहाँ पर रखा, उसके साथ स्पेस आपको दिखा देते हैं, शानदार स्पेस है। हमने सामने की तरफ टेबल रख दिया, साइड पे आपके लिए टेबल रखा है, और सामने की तरफ देखेंगे तो आपको चेयर्स भी नज़र आ जाएंगी। ठीक इस तरफ आपकी वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक है और अलग अलग डिज़ाइन के साथ भी आपको मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था थोड़ा सा फ्यूचर को ध्यान रखते हमने बनाया है, तो वो चीज़ें आपको पूरी यहाँ पर नज़र आने वाली हैं। डबल लेमिनेशन आपको सारी जगह मिलेगी एक अच्छी क्वालिटी के साथ, प्रीमियम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं।
ड्रॉस की कमी हमें हर जगह होती है, तो यहाँ पर हमने पूरी आपकी कमी जो है वो पूरी कर दी है। और स्टोरेज आपकी जो है आपके इस घर के अंदर वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सीलिंग की हाइट तक है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपको इसके अलावा कोई और ज़रूरत पड़ेगी। और बालकनी जैसे मैंने बोला था, या खिड़कियाँ आपको मिलेंगी वो बेहद शानदार, बड़ी बड़ी 8-8, 9-9, 8-8 फीट की और बड़ी साइज़ की आपको हर जगह मिलेंगी बालकनीज भी। तो कहीं आपको कोई भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, ये वो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, दो चेयर्स हमने यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि 15 फीट का था, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आप स्टडी टेबल लगाओ या कुछ भी करो, काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो दोस्तों, वॉशरूम हमें जो इसके साथ मिलता है वो कॉमन रहेगा और एक प्रीमियम लुक्स के साथ रहेगा। यहाँ भी आपका जो ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट है वो पूरा प्रॉपर आपको मिलने वाला है। प्रीमियम सिंक्स आपको मिलेंगे टोटो की तरफ से, जितनी भी सैनिटरी है आपकी घर की टोटो की तरफ से रहेगी। और पार्टीशन आपको ग्लास पार्टीशन मिल जाएगी आपके बेड एरिया के, स्पेस आपको पूरी मिलती है एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। 8 फीट के आपके जो है वॉशरूम रहेंगे। टाइल्स के आप कलर अगर देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल एक प्रीमियम चीज़ आपको पूरी मिलने वाली है। वेंटिलेशन हर जगह आपका प्रॉपर रहेगा यहाँ पर। और दोस्तों, ये हमारा सेकेंड डोर, क्योंकि हमारा कॉमन वॉशरूम है, अगर आपका गेस्ट भी है तो इजीली यहाँ पर वो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका जो प्राइवेसी है वो कहीं से ख़राब होती है। हर तरह से आपकी हर चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। और दोस्तों, ये एक ख़ास एरिया है आपके लिए, हम चाहते तो यहाँ पे एक फिफ्थ बेडरूम या फिर एक एक्स्ट्रा बेडरूम बना सकते थे, लेकिन हमने आपके लिए लिविंग लॉन्ज यहाँ पर रखा है, लिविंग रूम रखा है, ताकि अगर आपके घर के अंदर गेस्ट आते हैं तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, उनकी प्राइवेसी ख़राब ना हो, आराम से यहाँ पर बैठ कर जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो उनका मज़ा लें। और ज़रूरी होता है एक रूम ऐसा हमने बना दिया कि आपकी फैमिली ना एक बार फिर से एक साथ एक ही जगह पर बैठ के टीवी देख सके, जैसा हमने पहले हमारे घरों में हुआ करता था। और दोस्तों, बालकनी हमारी सेम जो यूटिलिटी बालकनी यहाँ से अटैच रहेगी, और इसका मतलब ये भी है कि दोनों तरफ से जो लाइट्स हैं और वेंटिलेशन है वो पूरा रहेगा आपके घर में। तो यहाँ कहीं भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक अच्छी सिक्योर सोसाइटी के अंदर, ग्रीन एरिया के अंदर। मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर आसपास आपको बहुत शानदार ग्रीन एरिया मिलने वाला है, जिसकी हर कोई तमन्ना करता है कि हमारा घर किसी ग्रीन एरिया में हो, क्योंकि आजकल जो है ईंट पत्थर की तरह के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता घर के आसपास, नज़र घुमाते हैं तो यहाँ सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर आपका सेकेंड बेडरूम हमारे घर का, जो कि 14x11 का आपको मिलने वाला है, बेहद शानदार साइज़। आपको सारे के सारे रूम बड़े बड़े ही मिलेंगे यहाँ पर, कोई छोटा रूम नहीं मिलेगा, एक अच्छी स्पेस, और हमने उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया आपके लिए। पूरी स्पेस में हम ज़बरदस्ती अगर एक दो चेयर्स रख देना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे हम चेयर्स रखते हैं, आप यहाँ पर अगर स्टडी टेबल छोटा मोटा रखना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आराम से हो जाता है। अब वो भी चीज़ मैं आपको दोबारा फिर से दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम पे निर्भर होती है कि हम अपने घर को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपनी नीड के हिसाब से। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक रहेंगी अगेन। और ख़ास आपको चीज़ ये बता दूँ कि जितने भी आप रूम्स देखेंगे उनमें जितनी भी वार्डरोब्स आपको मिलेंगे वो सारी की सारी इनबिल्ट होंगी आपकी। कोई भी वार्डरोब आपके रूम के साइज़ के बीच में नहीं आएगी, आपके रूम के साइज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगी, मतलब कि जो रूम का साइज़ है वो सिर्फ आपका है, वो पूरा आप ही ने इंजॉय करना है। अगेन आपकी एक खिड़की शानदार टफन ग्लास के साथ, साइडर डोर्स के साथ, काफ़ी अच्छा एरिया आपको हर जगह मिल जाएगा। वॉशरूम आपको यहाँ पर अटैच मिलने वाला है अगेन, और बाथटब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि थोड़े प्रीमियम घर हैं तो हमने हर चीज़ को बीच में रखने की कोशिश की है आपके लिए। तो ब्रांडिंग सारी की सारी जितनी भी रहेगी आपकी टोटो की तरफ से रहेगी, और डिज़ाइंस बेहद लाजवाब, बिल्कुल अलग। आप देख सकते हैं काउंटर के ऊपर इस सिंक को रखा गया, एक अलग ही डिज़ाइन है। वॉल हैंगिंग सीट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, प्रीमियम टाइल्स आपको, प्रीमियम क्वालिटी हर तरफ आपको यही नज़र आएगा यहाँ पर, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ किसी चीज़ के अंदर कोई कमी है या तो ऊपर नीचे कोई कोई चीज़ दी हो, नहीं, बिल्कुल लाजवाब चीज़ें हर तरह से। आपको जो हमने लिविंग एक्सपीरियंस देना है ना इस घर के अंदर, वो बिल्कुल लाजवाब देंगे। और ये हमारे घर का थर्ड बेडरूम, बेहद खूबसूरत आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा झूमर वाला काम किया है, आप ये आपके ऊपर, आपको कैसे वो लगता है, सूट करता है या नहीं करता,
और जैसे हर बेडरूम में हमने सामान रखा है, यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर हमने पूरा प्रॉपर जो एक सोफ़ा ही रख दिया है टेबल के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर रूम में एक अलग चीज़ दिखाएं, आपको अलग से समझ आए कि आप क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे हमने कई बार देखा है कि जब हमारे पास कुछ दोस्त आते हैं घर देखने, तो उनको लगता है कि रूम्स में हमारा बेड वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगा। तो ये आपका 6x6.5 का प्रॉपर एक बेड है। तो इसके अलावा आप स्पेस जो देख रहे हैं वो हमने पूरी प्रॉपर मैनेज करके आपको दिखाई है, तो यहाँ पर आपको कोई किंतु परंतु आएगा ही नहीं। और दोस्तों यहाँ पर हमने वार्डरोब्स को थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन दे दिया है कलर्स के अंदर, बाकी आपको जो लुक्स होगी वो प्रीमियम अगेन वैसे ही मिलेंगी जैसे हमने पहले देखी थी। स्टोरेज आपको पूरी मिलेगी हर पूरे घर के अंदर, हर तरह से कहीं पे भी कोई कमी नहीं आपको यहाँ पर मिलने वाली। और दोस्तों क्लब हाउस हमारा यहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर आपको जो है काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जिमनेजियम, स्पेनिश कोर्ट, इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ क्लब हाउस में मिलने वाली हैं। आपको घर के अंदर जगराते करने हैं, सॉरी कोई पार्टी करनी है आपको अपने कम्युनिटी सेंटर के अंदर या क्लब हाउस के अंदर, वो आप कर सकते हैं। जगराता करना है, कोई पाठ पूजा करवानी है, गैदरिंग पूरी करनी है, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको हर जगह मिल जाएगी। और हमने इसको डिज़ाइन करने से पहले, इस घर को डिज़ाइन करने से पहले आपके लिए जो मार्केट को आसपास सारी जगह डिज़ाइन किया है, और आपके घर के या फिर आपकी सोसाइटी के अंदर भी मार्केट रहेगी और बाहर भी रहेगी, मॉल आपको बिल्कुल पास रहेंगे, क्योंकि जो हमारा घर है बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, तो आपके लिए कोई भी लोकेशन यहाँ से दूर नहीं है। और यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम जो कि 17x12 का है, वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल शानदार साइज, स्पेस बेहद खूबसूरत। और देखिए हमने हर तरह से, जैसे मैंने बोला था, सामान हम हर तरह से रख देते हैं, क्योंकि हम कई बार देखा कि हमारे अपने घरों में अंदर भी यही चीज़ होती है, एक चेयर यहाँ, एक चेयर वहाँ, उसके ऊपर कुछ यहाँ पर सामान रख दिया, कुछ वहाँ सामान रख दिया। तो हम हर तरह से आपको दिखाते ताकि आपका जो घर है वो आपको अपना रहे, अपना लगे भी, क्योंकि रहना हम नहीं है आपका अपना घर है ये। तो हमने हर चीज़ को यहाँ पर मेंटेन किया आपके लिए, ताकि जब आप आएँ आपको ये ना लगे कि यहाँ पर कोई चीज़ की कमी है। और ये एयरपोर्ट रोड ही है जो आपको न्यू क्रिकेट स्टेडियम की तरफ ले जाती है, जो कि आपका मोहाली से होते न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाता है, और ट्रैफिक यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, कोई ज़्यादा नहीं होता। आपका कहीं पर घूमना फिरना हो तो ये सबसे अच्छी लोकेशन आपकी मानी जाती है, जहाँ से आप इजीली कहीं भी लोकेशन पे ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली, हरियाणा, शिमला, सॉरी हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, किसी भी लोकेशन में जाना चाहते हैं तो ये एक तरह से मिड पॉइंट है। और दोस्तों आपको बेडरूम के साथ ड्रेसिंग एरिया हर बेडरूम के अंदर हमने दिखाया है, और यहाँ भी आपको वैसे ही मिलेगा पूरी सीलिंग की हाइट तक एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। बड़े बड़े ड्रॉअर्स आपको यहाँ हर जगह हम देंगे, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं इधर उधर ना रहें। स्पेस आपको हम पूरी देंगे यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा था। वो देखिए वैसे ही है, एक पूरी प्रॉपर सिक्योर सोसाइटी के अंदर अगर आप रहते हैं, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है, तो बात अलग होती है। वहाँ रहने का मज़ा जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली जो है बिल्कुल सिक्योर्ड है, और एक अच्छे एरिया में जहाँ पर हर चीज़ मिलती है, मॉल्स आपके पास हैं, मार्केट आपके पास है, बिजनेस प्लेसेस आपके बिल्कुल पास हैं, हर एरिया में आपको कहीं पर जाना हो तो बिल्कुल एक लाजवाब लोकेशन वहाँ मिलती है। प्रॉपर गमाडा की तरफ से आपको अप्रूवल्स यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ हर जगह हर तरह के, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। और मास्टर बेडरूम के साथ आपको जो वॉशरूम मिलते हैं वो बेहद लाजवाब है, बड़े से आपका सिंक मिलेगा काउंटर के ऊपर, एक अच्छे से ब्रांड के साथ एक बहुत खूबसूरत वैनिटी आपको मिलती है पूरी की पूरी। और आप जितने भी वॉशरूम देखेंगे या कुछ भी चीज़ देखते हैं इस घर की, वो हर चीज़ आपको प्रीमियम मिलेगी, कहीं पर कोई कमी आपको नज़र आने वाली है ही नहीं है यहाँ पर। वॉल हैंगिंग सीट हमें यहाँ मिलती है, और हर वॉशरूम में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और वेट एरिया के अंदर जैसे आप एंटर करते हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों, ये आपको एक वाइट कलर की चीज़ नज़र आ रही है, जिसका मतलब आपको यहाँ पर जो है स्टीम और सोना बाथ आपके अपने घर के अंदर हमने ऑलरेडी डिज़ाइन करके दिया है, तो इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात होती है कि हमारे घर के अंदर हर चीज़ है,
और उसे बता दूं यहाँ पर जो पार्किंग आपकी रहेगी वो सारी की सारी कम्प्लीटली बेसमेंट रहेगी, ऊपर सिर्फ गेस्ट पार्किंग रहेगी, तो आपकी गाड़ियों को कभी धूप में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपने घर अपना पूरा देख लिया, हर चीज़ आपने पूरी देख ली है, तो प्रॉपर जानकारी के लिए आप एक बार हमारी साइट को ज़रूर विज़िट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। और इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर के साथ। इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।